तो परसों हम लोगों ने ये लेक्चर देखा था, यहाँ से इसकी स्टार्ट किया था लेक्चर को, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूँ बातों को। आप सब लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? अब दिखाई दे रही है? जरा बोल के बता दो एक दो लोग। यस सर, दिखाई ओके दे रही ओके है। ओके यस ओके सर। ठीक। ओके ओके। तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों ने जो बातें की थी, उन बातों के बारे में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। ये बैक्टीरियल सेल के बारे में मैंने आपको बताया था, और ये बताया था कि जो चीजें लेफ्ट में होती हैं, बैक्टीरिया की जो सेल बनी हुई है इसके जो लेफ्ट में है, जैसे कि ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, 70S राइबोसोम्स है, फूड रिजर्व है, डीएनए है, साइटोप्लाज्म है, ये सब चीजें, ये वो स्ट्रक्चर है जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और इधर जो चीजें प्रेजेंट हैं, जैसे ये फ्लैजेलम है, पाइलाई है, और फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन है, मीसोसोम है, ठीक है, मेम्ब्रेन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन है, प्लाज्मिड है, ये वो चीजें हैं जो कभी कभी प्रेजेंट होती हैं, हमेशा प्रेजेंट नहीं होती। तो जो चीजें हमेशा प्रेजेंट होती हैं, जो चीजें हमेशा प्रेजेंट होती हैं, वो उनमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज को अब हम लोग आगे लेके चलते हैं। ये बैक्टीरिया सेल के बारे में मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई थी, जिसमें सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकान या म्यूरिन की बनी होती है। और एक चीज हमने और बताई थी बाद में आपको, ये जो सेल वॉल के बाहर भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। और ये ग्लाइकोकैलेक्स इज प्रेजेंट एक्सटर्नल टू द सेल वॉल एंड ऑल्सो नोन एज कैप्सूल। अगर ये टाइटली बाउंड है, अगर ये मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कैप्सूल कहते हैं, और अगर ये लूजली अटैच्ड है तो हम इसको स्लाइम लेयर कहते हैं, ठीक है। तो कैप्सूल टाइटली अटैच है या लूजली अटैच है, इसी आधार पर इस ग्लाइकोकैलेक्स का नाम या तो कैप्सूल होगा या स्लाइम लेयर होगा। यानी कि जो ग्लाइकोकैलेक्स है उसी को हम कैप्सूल कहते हैं अगर वो टाइटली अटैच है, और उसी को हम स्लाइम लेयर कहते हैं अगर वो लूजली अटैच है। तो ये सारी चीजें जो आपको दिखाई दे रही हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेल वॉल है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन की बनी होती है, और ये ग्लाइकोकैलेक्स है। ये क्वेश्चन अपने आपको करवाया था, आप लोगों ने किया था। अब देखिए, बैक्टीरिया में एक चीज आती है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। यानी कि जब हम लोग बात करते हैं जीन ट्रांसफर की, देखा जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, उसमें भी जीन ट्रांसफर होता है। जीन ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ कि हमारे फादर से जीन्स हमारे अंदर आए, हमारे अंदर से जीन्स हमारे बच्चों में जाएंगे। दिस इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इसी जीन ट्रांसफर की बात को लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि जीन ट्रांसफर रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो जीन का ट्रांसफर होता है, उसी को हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। एंड दिस जीन ट्रांसफर कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। या तो ये हॉरिजॉन्टल होगा या ये वर्टिकल होगा। वर्टिकल हुआ तो ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। अगर माता पिता से बच्चों में जीन्स जाते हैं, तो
तो हम इसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं। अगर माता पिता से बच्चों में जीन्स जाते हैं तो हम इसको हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर कहते हैं। अगर माता पिता से बच्चों में जीन जाते हैं, सॉरी थोड़ा सा ये लाइन पढ़ने में मुझे दिक्कत हो गई। एक्चुअली जिन लोगों को ये करना था, एडमिट करना था लोगों को, जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको एडमिट भी करना होता है और अपनी क्लास भी पढ़ानी होती है। तो जिनको ज्वाइन करना था वो आज एब्सेंट है, तो मैं ही ज्वाइन करवा रहा हूं और मैं ही क्लास पढ़ा रहा हूं, तो उसी में ये मिस्टेक मुझसे हो रही है। खैर, वर्टिकल जीन ट्रांसफर इज ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। माता पिता से बच्चों में जो जीन जाते हैं उसको हम वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ जीन्स कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है यूकैरियोट्स। ये आप देख रहे हैं यूकैरियोट्स। इसका मतलब बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता है, यानी वर्टिकल जीन ट्रांसफर बैक्टीरिया में नहीं होता है। अब बात आती है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की बात जब आती है तो ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स। अगर दो स्वतंत्र ऑर्गेनिज्म के बीच में ट्रांसफर ऑफ जीन्स हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल या लेटरल ट्रांसफर ऑफ जीन्स, और इसका एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स। तो थ्री या हम बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोट्स की। तो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स और हायर ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहे हैं, यानी वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ जीन्स की बात नहीं हो रही है, केवल हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर दो बैक्टीरिया होंगे, इन दोनों के बीच में जीन्स का ट्रांसफर होगा, इसी को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जीन्स। एग्जाम्पल प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स का बेटर एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। Three mechanisms of horizontal gene transfer in prokaryotes have been discovered. और horizontal gene transfer की तीन mechanism discover की जा चुकी हैं अब तक। इसमें सबसे पहला है transformation, दूसरा है transduction और तीसरा है conjugation। ठीक, यानी कि हमको तीन transfer पढ़ने हैं, तीन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर पढ़ने हैं। पहला ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, दूसरा ट्रांसडक्शन पढ़ना है और तीसरा कंजुगेशन पढ़ना है। प्रोकैरियोट्स डू अ वर्टिकल जीन ट्रांसफर व्हेन दे पास द जीन टू द अदर प्रोकैरियोटिक सेल्स। अगर प्रोकैरियोट इसका यहां पर यह सवाल पूछा जा सकता है कि क्या प्रोकैरियोट्स में वर्टिकल जीन ट्रांसफर नहीं होता है, तो आप कहेंगे कि वर्टिकल जीन ट्रांसफर प्रोकैरियोट्स में होता है अगर ये अपने जीन्स को दूसरी प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में जीन को पास करता है तो इसको हम वर्टिकल जीन ट्रांसफर कहते हैं। लेकिन मोटे तौर पर मोस्ट ऑफ ऑल द जीन ट्रांसफर इन प्रोकैरियोट्स और इन बैक्टीरिया इज हॉरिजॉन्टल। प्रोकैरियोट्स में जीन का ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, ये बात याद रहेगी, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर या वर्टिकल जीन ट्रांसफर। तो वर्टिकल जीन ट्रांसफर किसमें होता है, यूकैरियोट्स में, हम लोगों में, हायर प्लांट्स में। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर किसमें होता है, प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में। अब हम लोग जो तीन टाइप के दिए हुए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, इनको पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले आता है ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान से इसको पढ़िएगा, बात बहुत छोटी सी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। देखिए आप इसको, ये स्लाइड सबको दिखाई दे रही है, अब आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रिफिथ इन स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। इसको पहले डिप्लोकॉकस कहते थे, उसके बाद इसका नाम स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी कर दिया गया इन 1928 में, जब भारत से साइमन कमीशन आया था ब्रिटिश राज में, तब
इस ट्रांसफॉर्मेशन की खोज की गई थी 1928 में ग्रिफिथ के द्वारा। अगर आप गौर से देखें इस स्लाइड को, तो ग्रिफिथ ने डिप्लोकॉकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी में दो स्ट्रेन्स को स्टडी किया। पहला स्ट्रेन था S3, जो कि कैप्सुलेटेड था एंड वायरुलेंट था। हमने आपको बताया हुआ है कि अगर बैक्टीरिया में कैप्सूल कब कहेंगे, जबकि ग्लाइकोकैलेक्स टाइटली बाउंड होगा। स्लाइम लेयर कब कहेंगे, जब ग्लाइकोकैलेक्स लूजली अटैच होगा। और ग्लाइकोकैलेक्स या कैप्सूल कब होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी पाया जाता है। गौर से आप S3 वैरायटी को देखिए, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी की S3 स्ट्रेन में S3 वैरायटी कैप्सुलेटेड है, यानी उसमें कैप्सूल है, और ये वायरुलेंट है, यानी कि ये सेल वॉल की लाइसिस कर देती है, खतरनाक है, डेंजरस है। आप गौर से देखें तो डिप्लोकॉकस निमोनी की S3 वैरायटी को जब चूहों में डाला गया, माइस में डाला गया, तो सभी चूहों की डेथ हो गई। ये बात आपके समझ में आई? बताओ भाई, रिका रिका आप प्रेजेंट हैं यहां पर? नैन्सी मिश्रा बताओ, क्या समझ में आया आपके, बताइए जरा। कौन बताएगा? सर? हाँ बोधिका, बोधिका। हाँ बोधिका बोलो। सर ये तो 12th में भी स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो इसमें जब S3 टाइप स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया में, निमोनिया नहीं है, जब निमोनी स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया ही, निमोनिया ई निमोनी। हाँ चलो, हाँ निमोनी, इसमें जब वो कैप्सुलेटेड था और वायरुलेंट था, हाँ, तब जब उसे माइस के अंदर इंजेक्ट किया गया, यानी कि और कैप्सुलेटेड लिखा है तो यानी कि ग्लाइकोकैलेक्स रिजेक्ट था, तब जब इसको डाला हम लोगों ने माइस में, तो माइस मरा हुआ मिला। ठीक, माइस फिर उसके बाद, फिर उसकी पूरा हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट अभी 12th में पढ़ा था ना, हाँ, तो हाँ, उसमें फिर उसके बाद जब उन्होंने उसका R सेकंड टाइप जब लिया, हाँ, तो वो नॉन कैप्सुलेटेड था और नॉन वायरुलेंट था, मींस उसके अंदर जो DNA और वो थे वो भी नहीं प्रेजेंट थे, तो सिर्फ उसका RNA मौजूद था। और जब इसको उन्होंने डाला तो माइस जिंदा बच गया। ठीक, फिर उसके बाद उन्होंने S3 हीट किल कर दिया, यानी कि उसके अंदर का जो मटेरियल था वो हीट किल हो गया, तो ऑब्वियसली माइस अलाइव बच गया। अंदर का मटेरियल, हाँ अंदर का मटेरियल जो यूजुअली इन्फेक्शन करता है, वो जब खत्म कर दिया, हीट किल कर दिया, तो माइस अलाइव बच गया। बट लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने उसको मिक्स किया, जो S3 टाइप था उसको R2 टाइप से मिक्स किया, अब यहाँ पे बात ये थी कि ये जो हीट किल्ड था ये भी अलाइव छोड़ रहा था, पर जो R2 था वो भी अलाइव छोड़ रहा था। अब जब इन दो को मिक्स किया, तब जो वो था माइस था वो डेड हो गया, मरा हुआ मिला। तो ये उन्होंने पता किया, मतलब इन दो को जब मिक्स किया तब वो डेड निकला। यही बात हुई थी इसमें कि इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो उसने वायरस वाले वो आ गए, मतलब वायरस बोल रहे हो, इन्फेक्टेंट कहां से आ गए, आपस में दोनों को मिक्स किया, उन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन कर लिया। रिप्रोडक्शन कर लिया सर। हाँ और कौन कौन बता रहा है? आचल, आचल बोलो। सर ये जो स्मूथ S3 है ना, हाँ, उसने हाँ। सर उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है R रफ वाले स्ट्रेन को, तो सर इसके चक्कर में ये जो वायलेंट हो गया R सेकंड। कैसे ट्रांसफॉर्म किया? हाँ सर, क्योंकि ये जो S3 है ना सर, ये तो वायलेंट है ना, तो ये सर जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, तो सर उसने अपना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो भी जेनेटिक्स है ना, वो उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया, ट्रांसफर कर दिया आर सेकेंड में रफ, क्योंकि वो नॉन वायलेंट था ना। S3 हीट, चलो अब मैं इसको बता रहा हूँ, जरा इसको एक बार आप लोग समझ लो सबको कायदे से। आंचल तुम मुझे बताओ कि S3 हीट किल्ड जो था वो इन्फेक्शन क्यों नहीं कर पाया?
सर एस थर्ड हीट किल तो सर, एक मिनट एस थर्ड सर, एक मिनट हाँ बोलो बोलो। सर, आई एम नॉट गेटिंग वाई वाई यू आर नॉट गेटिंग वाई दिस सर। एस थर्ड इज इन्फेक्शस, ये एस थर्ड इन्फेक्शन क्यों कर पाता है? सर क्योंकि वो वायलेंट था ना वायरुलेंट क्यों होता है? सर, क्योंकि सर ड्यू टू इट्स प्रोटीनेशियस सर, उसका जो वो है ना कैप्सुलेटेड सर, वो वायलेंट है ना, स्मूथ पॉलीसेकेराइड का वो सिंथेसाइज करता है, देखो एक सिंपल बात को समझो, बिकॉज़ मैं से अब निमोनिया डेवलप कर लिया। हाँ निमोनिया, हाँ निमोनिया तो डेवलप कर गया, लेकिन ये अब मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ, एक बार आप समझ लो इसको, आप इस बात को समझ लोगे आसानी से तो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं वो नहीं होंगे दोबारा, ठीक है? यस देखो जब ये स्मूथ थर्ड यानी एस थर्ड स्ट्रेन को माइस में डाला गया तो माइस की डेथ हो गई। क्यों डेथ हो गई? बिकॉज एस थर्ड में कैप्सूल था, इसी वजह से ये वायरुलेंट था, यानी ये जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है इट बिलोंग्स टू कैप्सूल। कैप्सूल के कारण इसने इन्फेक्शन किया और डेथ हो गई, क्लियर? अब आया आर सेकेंड, रफ यानी कैप्सूल नहीं है, जब कैप्सूल नहीं है तो ये नॉन वायरुलेंट है, तो इसने माइस को मार नहीं पाया और माइस अलाइव रहे। अब यहां पर आप गौर से, अगर आपसे कोई पूछे कि एस थर्ड और आर सेकेंड में ये वायरुलेंट और ये नॉन वायरुलेंट क्यों है, तो आप एक लाइन याद रखो, बिकॉज एस थर्ड इज कैप्सुलेटेड एंड आर सेकेंड इज नॉन कैप्सुलेटेड। एस थर्ड में कैप्सूल है इसलिए ये वायरुलेंट है, आर सेकेंड में कैप्सूल नहीं है इसलिए ये नॉन वायरुलेंट है। ये बात समझ में आई तुम्हारे आंचल और बोधिका? यस अब देखो एस थर्ड को हीट किल्ड किया यानी एस थर्ड को हाई टेम्परेचर पर रखा, तो बताओ एस थर्ड का कौन सा स्ट्रक्चर नष्ट हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया? कैप्सूल कैप्सूल कैप्सूल। सो देयर यू आर, द कैप्सूल वॉज लॉस्ट, कैप्सूल वॉज हीटेड एंड इट इज बींग डिस्ट्रॉयड, इट इज बींग डिग्रेडेड, इट इज बींग डिस्ट्रक्टेड। दैट मीन्स नाउ द एस थर्ड विच वॉज कैप्सुलेटेड एंड वायरुलेंट आफ्टर हीट किल्ड इट बिकेम नॉन कैप्सुलेटेड एंड नॉन वायरुलेंट, एंड केप्ट द माइस अलाइव। नाउ यू गॉट इट आंचल? यस सर, अब यहां पर इतनी यस बात बोधिका समझ में आ गई तुम्हारे, सर, बाकी लोगों की भी समझ में आ गई होगी। सर सर मुझे नहीं समझ में आया। तुम अपना नाम बताओ पहले। दीपक मिश्रा। दीपक मिश्रा, तुम पहले ये बताओ कि एस थर्ड इन्फेक्शन क्यों करता है? सर वो कुछ समझ में नहीं आया। क्योंकि तुम शुरू से जुड़े नहीं हो या फिर अंदर बाहर हो रहे हो? सर अभी अभी जुड़े थोड़ी देर हुआ है, हाँ, तो जब आप बता रहे थे एस थर्ड हाँ तो जब कल से, और हाँ कल से 11 बजे जुड़ जाना तो सब समझ में आने लगेगा, ठीक है? टाइम से जुड़ना ठीक है जरूरी है। सर, अभी आपने जो कैप्सूल वाला बताया, कैप्सूल डिस्ट्रॉय हो जाता है जब मतलब हीट किया जाता देखो है। हाँ एस थर्ड इसलिए इन्फेक्शन करता है क्योंकि उसमें कैप्सूल होता है। जी आर सर। से ठीक है, अब अपना माइक बंद करो और ध्यान से सुनो। आर सेकेंड इसलिए इन्फेक्शन नहीं कर पाता है क्योंकि उसमें कैप्सूल नहीं होता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है, एस थर्ड को जब हमने हीट किल्ड किया यानी एस थर्ड को जब हाई टेम्परेचर पर रखा तो इसका कैप्सूल नष्ट हो गया। क्या चीज जी सर, जब आपने मतलब इसे कहीं हाई टेम्परेचर पर हीट किया हाँ पहले सुन लो पूरी बात, तब तुम अभी बीच में मत बोलो क्योंकि तुम बाद में जोड़े, तुम पहले पूरी बात सुनो, ठीक है? माइक अपना ऑफ करो। जब एस्थर्ट को हीट किल्ड किया तो एस्थर्ट की क्या चीज नष्ट हुई बोधिका, बताओ जरा तुम। कैप्सूल और तुमने मुझे बताते हुए कहा था कि इसके अंदर का जो मटेरियल है वो नष्ट हो गया, याद है नहीं उस हाँ कहा था तुमने? हाँ अब मुझे बताओ अगर एस थर्ड बैक्टीरिया है
हाँ तो इसके अंदर का मटेरियल क्या हुआ? पता डीएनए, नहीं, डीएनए, 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 हाँ न्यूक्लियोइड, डीएनए न्यूक्लियोइड, डीएनए, डीएनए। हाँ अब मुझे बता, या नैन्सी यू आर करेक्ट, डीएनए। लेकिन ये जो तुमने कैपिटल डी और स्मॉल एन ए लिखा है ना, ये गलत है, ये कुछ और चीज़ हो जाती है। कैपिटल डी, कैपिटल एन, कैपिटल ए। खैर, तो अब मुझे बताओ कि ये जो एसिड हीट किल्ड हुआ, इसमें कैप्सूल नष्ट हुआ जो बाहर था, या डीएनए नष्ट हुआ जो अंदर था? कैप्सूल नष्ट हुआ जो बाहर था, कैप्सूल जिसकी वजह से अंदर का जिसकी नष्ट वजह हो गया, जिसकी वजह से अंदर का डीएनए नष्ट हो गया। अरे कैसी बातें कर रही है बिटिया, डीएनए तो सर सिर्फ अगर वो बेटा क्या डीएनए कभी, डीएनए इज नेवर लॉस्ट, डीएनए कभी खत्म नहीं। जुरैसिक पार्क नहीं देखी तुमने? नहीं। आ देखना उसे, देखना कैसे डायनासोर्स बनाए गए। डीएनए तो कभी नष्ट ही नहीं होता है। ओके, डीएनए कभी नष्ट नहीं होता, कभी, इट इज नेवर बीइंग डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कट, यू कैन कट द डीएनए बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट। ओके, डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स आर मेड अप ऑफ बेस शुगर प्रोटीन, बेस शुगर एंड फॉस्फेट, 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 बेस शुगर फॉस्फेट। तो इनको अलग अलग कर दो, इनको जोड़ दो, न्यूक्लियोटाइड बन गया। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दो, पॉली न्यूक्लियोटाइड या डीएनए बन गया, डीएनए बन गया। तो एस थर्ड का कैप्सूल नष्ट हुआ, डीएनए नष्ट नहीं हुआ, और कैप्सूल बनेगा या कैप्सूल नहीं बनेगा, दिस पावर बिलोंग्स टू डीएनए। क्लियर? हाँ, बहुत लंबी तुमने ओ निकाली, क्योंकि कुछ समझ में आ गया। अब मुझे, अब मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ और आगे, ये इसी 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 बात के लिए तो एसएस कॉलेज डॉक्टर आदर्श पांडे फेमस हैं। जो आपको कोई नहीं समझा पाएगा वो मैं समझाऊंगा आपको। अपनी तारीफ में खुद ही कर रहा हूँ, खाम खा। हाँ, जब हम लोगों ने हीट किल्ड बैक्टीरिया जो था उसको जी, जब रफ वाले स्ट्रेन से मिक्स किया, रफ, अभी उसकी बात ही मत करो, नाइदर गो, नेवर नेवर बी बिहाइंड एंड नेवर गो फॉरवर्ड, नेवर बी, हाँ, नेवर बी अहेड। आप अभी वहीं पे रहो जहां पर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? अब आप देखो, अब हमने एस थर्ड हीट किल्ड और आर सेकेंड, अब यहां पर आर सेकेंड इज नॉट एबल टू इन्फेक्ट एंड एस थर्ड हीट किल्ड इज ऑल्सो नॉट एबल टू इन्फेक्ट बिकॉज कैप्सूल इज नॉट प्रेजेंट इन आर सेकेंड एंड कैप्सूल इज बींग डिस्ट्रॉयड इन एस थर्ड हीट किल्ड बट द डीएनए ऑफ आर सेकेंड हैज नो कैपेबिलिटी टू फॉर्म कैप्सूल इन आर सेकेंड बट डीएनए इन एस थर्ड हैज द पावर, हैज द एबिलिटी टू फॉर्म कैप्सूल but the surface is heated so S third heat killed transfer its DNA to R second which is non-capsulated now the DNA present in R second belongs to S third forms a capsule around R second and R second became S third now एस थर्ड हीट किल्ड के अंदर से डीएनए निकला, डीएनए पहुंचा आर सेकेंड के अंदर, आर सेकेंड के चारों ओर बन गया कैप्सूल, आर सेकेंड सेल अब हो गई एस थर्ड। क्यों? बिकॉज ऑफ द लेटरल हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम एस थर्ड हीट किल्ड टू आर सेकेंड, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज आर सेकेंड सेल्स are being transformed into S third. बताओ आंचल या कोई भी बताओ जिसकी समझ में ना आया हो। Yes sir. बताओ क्या समझ में आया?
सर इसमें जो ये एस थर्ड है ना, उसने अपना जेनेटिक मटेरियल सर डीएनए ट्रांसफर कर दिया आर सेकंड को, क्योंकि आर सेकंड नॉन कैप्सुलेटेड था, नॉन वायलेंट था, जिसकी वजह से जब एस थर्ड ने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया तो वो वायलेंट हो गया, एंड इस वजह से सर माइस का डेथ हो गया। बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ इन 1928। और इसके बाद जो डेड सेल्स थी, जो डेड माइस थे, उनको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो उनके अंदर से एस थर्ड वायरुलेंट, ये वाली नंबर वन वाली, पहले नंबर पे जो बताई गई थी वो वाली सेल मिली। तो एवरी मैकलियॉड मैकार्थी, तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये कहा कि ये जो डेड माइस हैं इनके अंदर से एस थर्ड वायरुलेंट सेल्स कहां से निकल के आ रही हैं। भाई उन्होंने कहा कि हमने इनके अंदर एस थर्ड हीट किल्ड प्लस आर सेकंड का मिक्सचर डाला है, तो या तो अंदर से एस थर्ड हीट किल्ड मिले या आर सेकंड मिले, ये एस थर्ड वायरुलेंट कहां से मिल रही है। तब उन्होंने ये अंदाजा लगाया, तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने इसको साबित किया। एस थर्ड का डीएनए लिया, आर सेकंड के सेल्स ली, एक टेस्ट ट्यूब में डाली, तो उसके अंदर से एस थर्ड सेल्स निकल के आई, और तब उन्होंने प्रूव किया कि दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। And this has been shown by the Griffith in 1928 in the Streptococcus pneumoniae. Hope you got it. कोई ऐसा है जिसकी समझ में यह ट्रांसफॉर्मेशन ना आया हो? यानी सबकी समझ में आ गया, ठीक है? अगर सबकी समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, दिस इज कॉन्जुगेशन। सेकेंड वन इज कॉन्जुगेशन। वहां जो पीछे वाली स्लाइड थी, जो ये यहां पर ये ट्रांसडक्शन लिखा सेकेंड नंबर पे, इस ट्रांसडक्शन को कर देना कॉन्जुगेशन, और थर्ड नंबर पे कर देना ट्रांसडक्शन, ठीक है? कॉन्जुगेशन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय लीडरबर्ग एंड टॉटम इन ई कोलाई इन 1946। गौर से देखिए इस स्लाइड को, सबको दिखाई दे रही है अच्छे से? बोल के बताओ मुझे, अच्छे से दिख रही है स्लाइड? यस सर, दिख रही है। देखो कॉन्जुगेशन ये 1946 में ई कोलाई में डिस्कवर हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर किया गया था बाय ग्रिफिथ इन स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, और ये डिस्कवर हुआ था ई कोलाई में। ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम सुना है? ई कोलाई इज द इंडेक्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये ई कोलाई बैक्टीरिया कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है कोलन में। कोलन मतलब आंत, इंटेस्टाइन, ह्यूमन इंटेस्टाइन, इसीलिए इसको ई कोलाई कहते हैं। और ये इट इज द इंडेक्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इंडेक्स ऑफ वाटर पोल्यूशन मतलब ये वाटर पोल्यूशन का सूचकांक है। अगर कोई वाटर, किसी वाटर में पोल्यूशन है या नहीं है, वाटर में पोल्यूशन है या नहीं है, अगर ये पता लगाना है तो सिर्फ ये देखना पड़ता है कि वहां पर ई कोलाई है या नहीं है। अगर उस वाटर में ई कोलाई है तो उस वाटर में पोल्यूशन है, अगर उस वाटर में ई कोलाई नहीं है तो उस वाटर में पोल्यूशन नहीं है, ठीक है? अब आप गौर से देखो, ये एक बैक्टीरिया की सेल है, ये दूसरी बैक्टीरिया की सेल है। दो बैक्टीरिया सेल दिखाई दे रही है आपको यहां। ये इसका क्रोमोसोम है या इसका डीएनए है, ये इस बैक्टीरिया का डीएनए है। हमने कल आपको बताया था कि हर बैक्टीरिया में या मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब यह हुआ क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए पाया जाता है। अगर आप गौर से देखें तो आपको पता लगेगा कि
एक तो इसमें डीएनए दिख रहा है अपना, और एक ये प्लाज्मिड। लेकिन ये प्लाज्मिड इस दूसरी वाली सेल में नहीं है, ये प्लाज्मिड दूसरी वाली सेल में नहीं है। जिस सेल में प्लाज्मिड है उसे कहते हैं एफ पॉजिटिव सेल। ये क्या करता है, ये सेक्स को डिटरमाइन करता है। जिसमें प्लाज्मिड होता है उसको मेल सेल कहते हैं, जिसमें प्लाज्मिड नहीं होता उसको फीमेल सेल कहते हैं, जिसमें प्लाज्मिड होता है उसको डोनर कहते हैं, जिसमें प्लाज्मिड नहीं होता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं। डोनर मतलब दाता, रिसिपिएंट मतलब ग्राही, देने वाला लेने वाला। तो एफ पॉजिटिव सेल कैसी है, देने वाली है। एफ निगेटिव कैसी है, लेने वाली है। और मैंने आपको जब बैक्टीरिया की सेल पढ़ाई थी तब उसमें बताया था कि सेक्स पाइलाई होते हैं जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। तो दोनों सेल के बीच में आ गए हैं कॉन्जुगेशन ब्रिज, बन गया है कॉन्जुगेशन ब्रिज विद द हेल्प ऑफ सेक्स पाइलाई। ये देखिए बीच में बन गया है ब्रिज, ठीक। उसके बाद प्लाज्मिड करता है रेप्लिकेट। प्लाज्मिड क्या है, डीएनए है, तो ये रेप्लिकेशन करेगा, ये अपनी जैसी एक कॉपी और बनाएगा। अपने जैसी एक कॉपी जब और बनाएगा तो यहां पर प्लाज्मिड हो जाएंगे दो, ये दो प्लाज्मिड हो जाएंगे, एक तो ओरिजिनल और एक उसकी कॉपी। और एक प्लाज्मिड यहां से होता हुआ यहां आ जाएगा दूसरी वाली सेल में, जहां पर ये इस वाली सेल में आ जाएगा जहां पर प्लाज्मिड पहले से मौजूद नहीं था। यानी एफ पॉजिटिव सेल से प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा एफ निगेटिव सेल में, और एफ निगेटिव सेल, अब आप देखें एफ पॉजिटिव सेल में प्लाज्मिड पहले से था, उसके बाद ये एफ निगेटिव में भी आ गया, जो एफ निगेटिव सेल थी वो भी एफ पॉजिटिव हो गई, एफ निगेटिव सेल भी एफ पॉजिटिव हो गई। और इस प्रकार से ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इसने क्या किया, इसने सेल का नेचर बदल दिया। जो एफ पॉजिटिव सेल थी, जो एफ निगेटिव सेल थी उसको एफ पॉजिटिव कर दिया। किसने किया, प्लाज्मिड ने किया। प्लाज्मिड क्या है, डीएनए है। तो ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर। ये बात सबकी समझ में आ रही है। एक सेल जो एफ पॉजिटिव थी उसमें अपने डीएनए, अपने क्रोमोसोम के अलावा एक्स्ट्रा डीएनए यानी प्लाज्मिड था। दूसरी सेल जो एफ निगेटिव थी इसमें अपने क्रोमोसोम के अलावा प्लाज्मिड नहीं था। जहां पर प्लाज्मिड था वो एफ पॉजिटिव सेल है, डोनर है, उसने रेप्लिकेशन किया, अपना डीएनए भेज दिया एफ निगेटिव सेल में। एफ निगेटिव सेल भी कैसी हो गई, एफ पॉजिटिव हो गई। दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई लिटरबर्ग एंड टॉटम इन ई कोलाई 1946। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये बात सबकी समझ में आ गई है। हाँ बोलो सर। इसमें वर्टिकल हो रहा था, इसमें हॉरिजॉन्टल हो रहा था। किसमें? और कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में हॉरिजॉन्टल हो रहा था। अच्छा ठीक, हाँ बोलो। और ट्रांसफॉर्मेशन में वर्टिकल हो रहा था। नहीं, उसमें भी हॉरिजॉन्टल हो रहा था। बेटा तुम्हें मैं पहली स्लाइड दोबारा दिखाता हूँ, जरा गौर से देखो। वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इन यूकैरियोट्स ओनली। हॉरिजॉन्टल और लेटरल, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ जीन्स बिटवीन टू इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल प्रोकैरियोट्स। ओके ठीक, फिलहाल इतनी बात ही याद रखो। आप याद रखो प्रोकैरियोट्स में वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ जीन्स नहीं होता है। ओके, बहुत रेयर केस में होता है। फिलहाल आप बैक्टीरिया में केवल हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक, ओके ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये समझ में आ गया कॉन्जुगेशन सबको। यस सर। मोनी यादव को इसलिए हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं इस, अभी उनको रिमूव कर दिया गया, क्योंकि जब भी वो ज्वाइन करती हैं तो स्क्रीन प्रेजेंट करने लगती हैं। जब वो स्क्रीन प्रेजेंट करती हैं तो हमारी स्क्रीन छुप जाती है।
इसलिए जो भी स्क्रीन प्रेजेंट करेगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा और फिर अलाउ नहीं किया जाएगा क्लास में। ठीक है भाई, उमेश आप मौजूद हैं क्लास में? उमेश आवाज नहीं आ रही। सिया पांडे खैर, तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन थोड़ा सा समझने वाली चीज है, इसलिए आज हम ये दो ही आपको पढ़ाते हैं। बैक्टीरिया खत्म करेंगे कल। वैसे टाइम टेबल के हिसाब से हमारी क्लास नहीं है, लेकिन पहली क्लास मैं ही लूंगा और पहली क्लास को लेने के बाद इसको खत्म करके फिर आपकी जूलॉजी की क्लास होगी। क्लियर? यस सर। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? नो क्वेश्चन। ओके, नाउ इट्स ओवर टू जूलॉजी। डॉक्टर रमेश विल डिसाइड हु विल टेक द क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।